ब्रिगेडियर साहब ये बताइए कितना थ्रेट है। आई थिंक सबसे पहले तो जो मॉरल ग्राउंड्स पे अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में जिस पार्टी ने भी ज्यादा सीट्स ली है उसको गवर्नमेंट बना, इरिस्पेक्टिव ऑफ, और मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा, लाइक केपी में क्लियर मेजोरिटी है, दे शुड फॉर्म, और अगर पीटीआई प्रूव कर लेती है जो आई थिंक कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं उनकी ज्यादा है, तो दे शुड बी अलाउड टू, ये मेरा अपना ओपिनियन है, फॉर्म गवर्नमेंट इन द सेंटर पंजाब में, अगर क्योंकि चैलेंजेस इतने ज्यादा है, आई टेल यू कि 6 महीने में सब एक्सपोज हो जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ के कौन आता है, बिकॉज ये पाकिस्तान में पावर लेना एक चीज है, चलाना दूसरी चीज है। अच्छा, अभी थोड़ा सा मैं टाइम दें कि ये तो मेरा बेसिकली स्टांस है, और आई एम टोटली अगेंस्ट अगर कोई लेट से ये आप कह रहे हैं गिव एंड टेक हो रहा है जिसके अंदर लोग शिफ्ट कर रहे हैं, हाईली इमोरल एंड आई नॉट एंडोर्स इट, अगर किसी ने किया है उसको कंडेम करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम दें कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती कैसी, ये मेरे ख्याल पाकिस्तानी अवाम को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, बिकॉज हम समझते हैं कि भारत और यूके या ब्रिटेन की जो डेमोक्रेसी एक मॉडल है। अच्छा, बर्तानिया में जिसको फ्लोर क्रॉसिंग, जिसको यहाँ गाली बना दिया गया, आई एम नॉट फेवरिंग, लेकिन मैं सिर्फ रूल्स बता दूं, देयर इज नो चेक, चर्चिल जैसा बंदा कंजर्वेटिव से लेबर में चला गया और हर साल 3 से 4 बंदे फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, तादाद कम है, बिकॉज दे फील इट के जी जो MNA सॉरी MP है वो अवाम की अपने हल्के के उससे आता है और उसकी इंपॉर्टेंस उसकी आजादी है, अगर वो फ्लोर क्रॉसिंग करता है तो वो खुद जिम्मेदार है, आगे अवाम उसको रिजेक्ट कर देगी, ट्रेंड कम है। अच्छा, भारत की मैं मिसाल दूंगा, वहां पे भी नीतीश कुमार है, एक चीफ मिनिस्टर है बिहार के, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है टू हाईलाइट के जिसको मच्योर डेमोक्रेसी आप कहते हैं तो हो क्या रहा है, नीतीश कुमार साहब 9वीं दफा चीफ मिनिस्टर बने हैं पिछले अगर 25 साल देखें 9वीं दफा, इस दफा वो उठे, अपने बंदों को इकट्ठा किया, कांग्रेस को डंप किया जिनके वोट पे वो आए थे, जाके बीजेपी के साथ मिल गए, और इनको मेनली रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स कहा जाता है, सो दिस इज एक्चुअली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसके अंदर गिव एंड टेक होता है। इसी तरीके से महाराष्ट्र चले जाए, वहां पे जो बाल ठाकरे का जो बेटा है उस ओनर है पार्टी का शिवसेना का, उसके अगेंस्ट एक रेबल ग्रुप उठता है, जो शिवनाथ सिंधे हैं उठते हैं, उसमें आधे लोगों को हाईजैक करके बिहार ले जाते हैं और देन दे मूव अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर, पार्टी भी कब्जा कर लिए, तो एक तो आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड कि शायद जिसको आप मच्योर डेमोक्रेसी कहते हैं वहां पे ये चीजें होती हैं, गिव एंड टेक भी होता है, पैसा भी लगता है जितना मर्जी उसको इमोरल कहें, बीजेपी जिस तरीके से सप्रेस कर रही है अभी, लाइक कांग्रेस को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, NIA पीछे लगाई हुई है तृणमूल कांग्रेस के, तो ये चीजें होती हैं, तो एक तो आई थिंक जो मॉरल हाई ग्राउंड एट टाइम हम समझते हैं जी कि कुछ डाका पड़ गया, दिस इज पार्ट ऑफ लेट्स से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दैट्स व्हाई पाकिस्तान नीड्स अ डिफरेंट सिस्टम। बाकी थोड़ा सा ये भी देखें कि जो इलेक्शन होल्ड किए हैं जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस में थोड़ा क्रेडिट दे दें, इट वॉज डन इन वन डे डिस्पाइट जितनी थ्रेट्स थी, भारत में जो हमसे 6 गुना बना है 6 हफ्ते लगते हैं इलेक्शन कराने में, उसके बाद इलेक्शन कमीशन 15 दिन लेता है अनाउंस करने में, सवाल ही पैदा नहीं होता कोई चैनल किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिजल्ट दे दे, इट इज इलेक्शन कमीशन जो अनाउंस करेगा, तो वहां पे आप देखें किस तरीके से बड़े आप सबर के साथ एवरीबॉडी वेट्स, यहाँ पे वी नीड रनिंग कमेंट्री, और दैट्स व्हाई आई थिंक कुछ ट्रेंड्स भी आपको नजर आए कि शुरू में लेट्स से अगर पीटीआई की लीड थी और बाद में तो एक बहुत बड़ा परसेप्शन डेवलप हुआ, लेकिन आई थिंक जो मच्योर डेमोक्रेसी दे वेट, और इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा एवरीबॉडी देन गोज, कोई बीच में आप बात नहीं कर सकते, एंड इफ इंडिया इज 6 times लार्जर, ठीक है बिल्कुल, तो एक हफ्ता हमें देना चाहिए, बट आई थिंक दे डिड इट इन 48 hours में बाय एंड लार्ज पिक्चर सामने आ गई, सो मेरा ये है कि मॉरली इट मे बी रॉन्ग बट दैट्स हाउ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ब्रिगेडियर साहब, ये यूनिटी गवर्नमेंट बनाने की बात की जा रही है, ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए होगी या ये यूनिटी इमरान खान के खिलाफ है? आई थिंक आई सी ए सिल्वर लाइनिंग, जो भी कई दफा आप कह लें कि जो आपको नजर आ रहा होता है चैलेंजिंग टाइम, उसमें से अच्छी चीजें निकल आती हैं। मैं तो बल्कि आगे देखता हूँ कि जो अगले 6 महीने हैं उसके अंदर वट शुड बी द अप्रोच ऑफ द पार्टी, फॉर इंस्टेंस KP में आगे मेजोरिटी और जो आई थिंक अवाम ने मैंडेट दिया एक्सीलेंट, मतलब उसमें जो यूथ ने रिएक्ट किया जिस तरीके से वोट किया है, और गरीब अमीर इसमें शामिल है, वॉज उस दिन मैं इतवार बाजार गया हुआ था और उसमें एक बात हुई आदमी से एबटाबाद से, एंड ही हैड डिफरेंट रीजन टू वोट फॉर PTI, गुड कि ठीक है आपकी एक अफिलियेशन एंड यू फील के जी ये है, अभी आ जाता है कि पावर तो आ गई, नाउ इट इज हाउ डू यू डिलीवर। मैं ये कहता हूँ कि इवन आई वुड इनवाइट कि जी बेशक इनको सेंटर पे दे दें, इट्स वेरी डिफिकल्ट विद दिस नंबर, और अगर लेट्स से 17-18 अगर उसमें से आधे फैसले इनके हक में भी आए थे, दे डोंट फॉर्म मेजोरिटी, तो उसमें मेरे ख्याल डिनाइल वाली बात एक जिम्मेदारी की बात है कि आपने आगे ले, पाकिस्तान के चैलेंजेस इतने ज्यादा हैं, ऑनेस्टली विद इन 6 months या तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा
और इरिस्पेक्टिव ऑफ कि फेडरल गवर्नमेंट है या सूबे हैं, इसका पीपल पार्टी भी, वो टाइम गुजर गया कि आप वादे वईद पे चलेंगे बिकॉज पीपल नो कि आपके मैनिफेस्टोस क्या थे, क्या क्या ऐलानात थे और क्या उसके कंटूर सामने नजर। रिलीफ आपने देनी है, बजट तैयार है, आई थिंक 3 महीने में आपने बजट प्रेजेंट IMF के साथ नेगोशिएट करना है, तो ये आई डोंट थिंक सो कि फूलों की सेज है। इट्स अ वेरी वेरी टफ टाइम। तो मेरे ख्याल में नोबडी, आई थिंक बेसिकली तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वही है ना कि गिव एंड टेक है, ये आप माने ना माने, ठीक है बिल्कुल सही। फ्यूचर यूजुअली केपीके की आवाम दूसरी दफा मौका नहीं देती, लेकिन यहाँ पीटीआई को तीसरी दफा भी मौका दिया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? आई थिंक इसमें एक तो जो अंडरमाइन किया गया सोशल मीडिया की पावर को, आई थिंक पीएमएलएन ने रियलाइज भी किया है, एंड इवन हमारी जो कैलकुलेशन थी कि शायद इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, एक तो ये है कि आई थिंक पीटीआई वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑन सोशल मीडिया। सबसे बड़ी रीजन इज गवर्नेंस, जो पीडीएम ने किया या उससे पहले हालात थे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे 6 महीने में कोई भी पार्टी अनपॉपुलर हो जाएगी। तो इट्स बिकम वेरी वेरी शॉर्ट आई वुड से लाइफ जो है पॉलिटिकल पार्टीज की इन गवर्नेंस जो है, अगर डिलीवर नहीं करते तो वहां भी अवाम जो है मायूस थी, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दूसरा एक रिएक्शन था, जैसा बात हुई जब आप दबाएंगे इस चीज को उसका रिएक्शन आता है, तो केपी में बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स आया। सो आई वुड से कि पीटीआई हैज अ चांस टू डिलीवर, बजाय अभी रैंगलिंग आप करें, सब पार्टीज के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, आगे देखें कि आपने इसको आगे लेके क्योस को अवॉइड करें और अपना बिल्कुल लीगल फाइट करें, सारे फोरम्स हैं। और अब भी 18 पे आ गई आई थिंक पीटीआई की 18 नेशनल असेंबली की सीटें शायद कॉन्ट्रोवर्शियल है, उसके ऊपर करें, एंड इफ दे विन इट, इफ दे कैन फॉर्म गवर्नमेंट सो बी इट, उनको भी कोलिशन में जाना पड़ेगा।